कन्नौज में पुलिस ने एक मोबाइल स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 2 चोरी की बाइकों के साथ 10 स्मार्टफोन और 1 तमंचा बरामद किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये अभियुक्त अपने शौक को पूरा करने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे। अभियुक्तों के पास से घटना में जो गया था मोबाइल फोन वो बरामद हुआ है, 1 तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है, 1 चोरी की हुई सफेद रंग की अपाचे है, ये दो गाड़ी गुरशहागंज से तो वो बरामद हुई है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त एक दूसरी अपाचे मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हुई है, और इसके अतिरिक्त इन लोगों के पास से 8 और स्मार्टफोन बरामद हुए हैं जो चोरी किए हुए हैं और लूटे हुए हैं, तो उसके आधार पे हम लोग आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या शौकिया करते थे, कुछ जानकारी मिली कि ऐसे कुछ? जो पूछताछ से पता चला है तो ये अपनी निजी जरूरतें पूरी करने के लिए ये काम करते हैं, और स्मार्टफोन आप सबको पता है कि आजकल अच्छे खासे दाम में आती है और मुट्ठी में आप ले जा सकते हैं, तो उसको औने पौने दाम पर बेच करके और ये अपना खर्चा निकालते थे। आपको बता दें कि ये शातिर चोर महंगे फोन को कौड़ियों के दामों में बेचते थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर उनके और साथियों की तलाश कर रही है। कन्नौज से नित्या मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी।